डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए बाद में हूँ ना मैं आई विल क्वेश्चन यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पेशेंस इट्स अ ब्यूटीफुल डे विद सम ब्यूटीफुल फेसेस ओवर हियर थैंक यू एंड वी ऑल सेट टू लॉन्च दिस अमेजिंग ट्रेलर ओवर हियर There were hoardings across the city, yahan wahan har jagah, and people just got so curious ki kya hai, kaun hai ye? Itni khoobsurat peet. Nahi, aisi nahi thi, sorry. Nahi, thodi alag type ki thi, sorry. I'm sorry for that. So what we'll do is today we're going to reveal ye kiski peet hai aur iske peet ke aage kya kya raaz hai. So we are all set to launch this amazing trailer, ladies and gentlemen. Aap sab bilkul uttejit hain, khush hain. Uttejit hi bolte hain na, excited ko. Hans rahe ho yaar? And this is the excitement that I was talking about. यहाँ पे मैं उत्तेजना बोल रहा था उसे लेकिन नहीं क्या एक्साइटमेंट हाँ सो वेलकम 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 एंड दैट वॉज फैंटाब्यूलस डिड वी ऑल लाइक द टीजर मैं लव पूछने वाला हूँ पहले लाइक बता दो डिड वी ऑल लाइक इट वी गॉट मोर इन स्टोर फॉर यू सबसे पहले द फर्स्ट सवाल फॉर यू इज इतने दिनों से क्यूरियोसिटी लोगों के बढ़ा रहे हो आप और ऐसे खड़े हो ऐसा एक होर्डिंग पे तो थके थे नहीं थोड़ा तो थके हो गए आप खड़े खड़े बहुत थक गई हूँ यार अभी मुझे पलटना है इनको पलटना है और पलटेंगी आप इसके लिए यू नो एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड ओवर हियर प्लीज प्लीज टेल अस योर एंट्री विद दिस धमाकेदार फिल्म यू नो एंड प्रेजेंटेड बाय द वन एंड ओनली पहलाज नेलानी साहब यस गुड आफ्टरनून एवरीवन इट्स माय फर्स्ट इवेंट हियर इन बॉम्बे आई एम सुपर सुपर नर्वस एंड एक्साइटेड अभी तो आपने जूली को देख ही लिया है सो फॉर मोर एक्साइटमेंट टू बिगिन अभी आपको कुछ दिखाने वाले ट्रेलर आप वो देख लीजिए और वो कुछ नहीं वो बहुत कुछ है है ना और इनकी 50th फिल्म है लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां हो जाए प्लीज फॉर राय लक्ष्मी इसमें एक वो मेरे को लग रहा है नीचे से लिखा जाना चाहिए था डू नॉट ट्राई दिस एट होम लिप लॉक्स वी हैव सीन ऐसे इसमें थोड़ा सा और यू नो कर्मठ बना दिया गया उसको इट इज समवट लाइक दिस सो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से उसको निभाया है जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन दीपक शिवदसानी इज जूली 2 के लिए एंड नाउ विद दिस वाओ दैट वाज क्विक थैंक यू सो मच वी'd लाइक टू इनवाइट द एंटायर टीम ऑन स्टेज जिनकी मेहनत गई है इस सब के पीछे डिड वी ऑल लाइक द ट्रेलर नाउ आई कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन डिड वी ऑल लव इट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द जोश दिस साइड डिड वी ऑल लाइक इट अंकल को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे एकदम सीरियस बैठे हुए हम देख रहा हूँ मूछें अचानक से ऐसे हो गई आपकी है ना सो व्हाट वी विल डू इज वी विल इनवाइट द कैप्टन ऑफ द शिप सबसे पहले द पर्सन हुज रिटन इट जिनकी विजन है ये और जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दीपक शिवदसानी साहब का लेडीज एंड जेंटलमैन We'll be right back.
पे सबसे पहले जो सवाल है मेरा आपसे है आदित्य जी, मुझे प्लीज बताइए, यहाँ आपका मन नहीं किया कि मतलब मैं पुलिस नहीं बनूं, ऐसा कॉप नहीं बनूं, थोड़ा तो मतलब लव शव करने को मिले, क्या है? एक तो हेलो एवरीबॉडी, एक तो 4-5 साल के बाद फिल्म करने को मिल रही है, सॉरी तो अभी जो मिल रहा है उसको करने दीजिए. और आई वुड लाइक टू थैंक्स दीपक जी, इस खूबसूरत फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया. जी थैंक यू सो मच फॉर दैट. दीपक जी दिस इज फॉर यू. यू नो मैं पूछना चाह रहा था, मैं यहाँ पे एक टैगलाइन है, बोल्ड ब्यूटीफुल ब्लेस्ड. बोल्ड ब्यूटीफुल हमने बहुत देखा है, व्हाट्स विद दिस अनदर टेक? आई वुड से सी द फैक्ट रिमेंस. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. मेरी पहली फिल्म थी जूली जो मैंने बनाई थी, उसका टैगलाइन था अ बोल्ड प्रोफेशन अ ब्यूटीफुल माइंड. हैविंग सेड दिस, उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई जहाँ पे जो है आप स्किन शो, आप हर लड़की खूबसूरत बनने की कोशिश में ब्यूटीफुल रहती है. इस फिल्म में एक चीज़ जो अलग है वो मैं कहूँगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ. आई हैव अ बोल्ड मैन लाइक मिस्टर पहलाज निहलानी हु इज़ प्रेजेंटिंग दिस फिल्म. आई हैव अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट वेयर राय लक्ष्मी इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर. एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ टीम हु हैज स्टूड विथ मी. And my brother in Christ, Mr. Vijay Nair, who sowed the first seed to make this film possible. And of course, I cannot take away Geeta Trading Company. They have stood with me and brought me here on this platform. So mujhe khushi hai, I'm blessed with so many things together. So it's bold, it's beautiful, it's blessed. Superb, superb. Zordar taaliyan Shiv Dasani sahab ke liye. Nair sahab, this one's for you. Please tell us, what made you believe in this subject? Aur kya laga ki yehi film ko humko back karna chahiye? I think it's the powerful content of this film. Yeah. And because I'm a businessman, I saw that this movie is definitely strong in two ways. One is it's powerful as a message, and I'm sure and positive it's going to be a super hit. Superb. Thank you so much, sir. Nair Saab, this one's for you, Rai Lakshmi. Aap mujhe bataye, jo reception abhi mila hai, wonderful people in the crowd and media se itne sare log yahan pe, itna sara unhone, you know, pyar dikhaya. What do you have to say to them? It's really overwhelming. It's beyond my expectation, I should say. And thank you guys. I first like to thank you all for this. I've got immense support from the media, from the entire team and the PR department, everyone put together. And just the teaser has made so sensationally into the market that I'm very overwhelmed for that. Yes, Julie 2 has been very close to my heart, very special film for me, for many reasons. And I think, will do? Please. Okay, so this film, what you see, it's beyond this. So the reason why I took up this film, because it was very special to me. I could relate a lot to the script. There's a lot of substance, there's a lot of elements in the film, with the right dosage of emotions. So I think it's actually an entertainer with the right dosage of everything. So I don't know how to put this across, but yeah, it has a lot more to speak about, which you will know when you watch the film. It is a thriller. It is a suspense thriller. People look at it as an erotic movie, entertainer, but it's beyond that. So I would like to convey this to you all. So I think Julie is something you can't. Julie 1 was different. Julie 2 is absolutely different. And this is a complete entertainer and you guys will like it. Superb. And every girl would relate to this script. Superb. Yeah, thank you so much for that. Deepak sir, bahut mehnat gayi hai. Deepak Shiv Dasani is Julie 2 ke peeche. And congratulations to the entire team. Thank you. Coming to the one and only Pehlaj Nehlani sahab, yahan badi sari muskurahate hain, bade sare log khush hain yahan pe. Please mujhe bataye sir, isse pehle you've been producing films, and if I'm not wrong 24 films you've produced. This is your 153rd film as a distributor. So what made you believe in this subject, and matlab now back to your favorite thing, to kaisa lag raha hai? Good evening friends, aaj mujhe acha lag raha hai ki ek bahut si responsibility ke baad
back to my distribution and production. तो मुझे लगता है आज सबको उत्साह है कि मैं ये फिल्म के साथ क्यों आया. जूली 2 जो लोगों के माइंड में बहुत कुछ दे रही है और बहुत कुछ समझने मीडिया सोशल मीडिया और जनरल पब्लिक की. मैं एक संस्कारी होने के बाद जो मुझे टैग दिया गया ऐसा क्या है फिल्म में जो ये पिक्चर मैंने ली और किस तरह से मैं बैक कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि जब ये फिल्म आप लोगों ने देखी नहीं है आप इरोटिक फिल्म के हिसाब से इसे जानते हो लगता है जूली एक गाली है जूली नहीं है क्योंकि ये कहूँगा कि हर फिल्म का अपना फ्रेमवर्क होता है अपनी एक आइडिया होती है अपनी एक कहानी होती है ये कहानी की ड्राइव है और मुझे लगता है कि हर आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रीम वर्ल्ड में फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ ड्रीम और ड्रीम जब कोई देखता है उसे पूरा जब नहीं होता तो कैसा लगता है. इस फिल्म की कहानी वही है कि पूरे कंट्री से यहाँ तक कि बॉलीवुड आज फिल्म फिल्म इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर है जो विदेशों से भी यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करने के लिए और काम का मांगने के लिए अपना ड्रीम पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं और उनकी ख्वाहिश क्या होती है और किसी के ब्लड में ही मतलब होता है कि उसे एक्टिंग करना है. उस कहानी की ये जूली 2 जो है दीपक सिद्धासनी ने बनाई है. पहले मैंने कहानी सुनी थी जब ये इनिशियल स्टेज पे थी मुझे बहुत इसकी आइडिया बहुत नावल लगी थी अपने इनसाइड फिल्म इंडस्ट्री की कहानी लगी जिस तरह से इन फिल्म इंडस्ट्री में ये कह रहा हूँ कि ट्रू बेस कहानी है ये अपने इंडस्ट्री जो वर्किंग फंक्शन है और जिस तरह से टैलेंट जो बहुत हर इंसान में टैलेंट होता है लेकिन उसको निकालने वाला चाहिए जिस तरह से आज दीपक ने इस फिल्म में काम किया है और राय लक्ष्मी जो जूली आज है और जूली के नाम से शायद ये पहली वैसे इसने 49 फिल्में की है लेकिन इसकी पहली फिल्म जूली के नाम से पहचानी जाएगी ये मुझे फक्र है कि मैं जिस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ इसमें भी इसका जूली नाम से ये जानी जाएगी. एंड शी हैज़ डन अ फैंटेस्टिक जॉब एज अ स्क्रिप्ट एज अ टैलेंट न्यू टैलेंट को इनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस दीपक सिद्धासनी ने किस ड्राइव से इस फिल्म को लिया है. मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे इंडस्ट्री की उसको पूरी तरह से दीपक सिद्धासनी ने जो है एक्सपोज किया है. दिस इज़ अ मैसेज फॉर दैट टैलेंट जो अपनी उम्मीद लेके इंडिया में आते हैं या अपनी कंट्री से आते हैं. आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि इंडस्ट्री को किस तरह से ड्राइव करके आई ओपनर फिल्म बनाई है और किस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं. हमारे कुछ लोग जो है इंडस्ट्री को किस तरह से बदनाम करके एक स्ट्रगल और एक थ्रिलर मोमेंट में लेके जाते हैं और आपने जैसे देखा होगा कि टीवी इंडस्ट्री से किस तरह से जो लोग रोमांस में फंस जाते हैं और किस तरह से सुसाइड्स करते हैं और किस तरह से ड्राइव करते हैं. आई थिंक उन सब के लिए ये पिक्चर के लिए मैसेज है. आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम एसोसिएट विद दिस पिक्चर. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां निहलानी साहब के लिए. सर लोग पूछ रहे थे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कि आज प्रहलाद साहब कैंची तो लेके नहीं घूम रहे ना. देखिए हर इंसान को अपना रोल पूरा करना पड़ता है. जिस तरह से राय लक्ष्मी को अपना किरदार निभाने के लिए इतनी पिक्चर करने के बाद भी एक फिल्म एक्ट्रेस की एक चाहत और रोल अदा किया है उस तरह से बहुत खुशी है कि अपना इसने 100% देने की कोशिश की है. जो मुझे गवर्नमेंट ने रोल दिया था मैंने अच्छी तरह ईमानदारी से सिंसियरली ऑनेस्टली निभाया. जब मेरा जो है एक फिल्म जो है बचपन से जो है मेरा बिजनेस है जो है सिर्फ मूवी मूवी एंड मूवी वापस बैक टू मैं अपने इंडस्ट्री में वापस हूँ और अपने फिल्म से ईमानदारी से करूंगा. आई विल सी दैट आई विल अगेन गिव यू 100% टू दिस इंडस्ट्री. जोरदार तालियां पहला निलानी साहब के लिए. वो जोश यू नो लास्ट में वो जो ऐसे था उसमें बहुत बात थी. सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो अप विद द टीम एंड देन वी विल आस्क देम टू सिट डाउन. ट्रेडिंग कंपनी केशव इफ एवरीबॉडी इज हियर. आई वांट ऑल माय को स्टार्स. I want Bridgi, Anand Jog Saab, Vikas, Simit, everybody please walk in Kamal. For the entire team, ladies and gentlemen.